संजय दत्त ने बताया कि जब उनसे उनकी फिल्म थानेदार का सुपरहिट गाना तमा तमा शूट किया जा रहा था, तब उन्हें बहुत ही परेशानी हुई थी। पहले तो वे बहुत रिलैक्स थे और मजे लेते हुए रिहर्सल कर रहे थे, मगर जब फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर बप्पी लाहिड़ी ने बताया कि उनके अपोजिट माधुरी दीक्षित को परफॉर्म करना है, तो वे हैरान रह गए और ये सोचते हुए उनके पसीने निकलने लगे कि माधुरी जैसी बेमिसाल डांसर के सामने वे कैसे डांस कर पाएंगे। उन्होंने जवाब दिया कि माधुरी मोरनी है तो वे कौवा है, ऐसा संजय दत्त ने खुद कहा था। इसके आगे संजू बाबा ने बताया कि करीब 16 दिनों के रिहर्सल के बाद इस गाने को शूट किया गया, फिर फाइनल शॉट देते समय वे घबरा ही रहे थे। आपको बता दें कि एक समय था जब संजय दत्त को माधुरी दीक्षित बहुत पसंद थी और माधुरी भी संजू को पसंद करती थी, लेकिन साल 1993 में उनके ऊपर जो आरोप लगा उसके बाद माधुरी ने उनसे दूरी बना ली। इनकी जोड़ी लोगों को पसंद थी और इस जोड़ी ने थानेदार के अलावा जय देवा, साजन, खलनायक, साइबान, खतरों के खिलाड़ी, इलाका, कानून अपना अपना और जमीन जैसी हिट फिल्मों में काम किया है।